Hey guys, welcome back to my channel, Tanvir's channel. दोस्तों आज हम एक मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पपी के बारे में। पपी को कैसे चूज करना है, कैसे लेना है आपको। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है क्या क्या चीजें देखनी है, और बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में कि कौन सा पपी लेना है, क्या करना है। तो थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको वो सारी चीजें जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होगा आज। जैसे कि मैं बेसिकली बताऊँ कि जनरली पीपल क्या करते हैं, जैसे मैं भी ब्रीडर हूँ, मेरे वहाँ भी काफी सारे पेट ऑनर्स आते हैं, एक्सेप्ट ब्रीडर्स के अलावा भी काफी पेट ऑनर्स होते हैं जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होता, बेसिक चीजें नहीं पता होती। तो आके वो डिमांड करते हैं कि हमको पहला पपी चाहिए। दैट मीन्स को बताते हैं कि पहला पपी जो बर्थ हुआ है पहला वो उनको चाहिए, लास्ट वाला पपी नहीं चाहिए। पहला कौन सा आया था, लास्ट कौन सा आया था, कितने पपीज आए थे, कौन से कलर है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा एक बेसिकली अगर आप सोचो, लॉजिकली सोचो, तो ऐसे नहीं होता है कि पहला पपी ही अच्छा है और आखिरी पपी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम लोग इतने सालों से ब्रीडिंग कर रहे हैं और हमने देखा है कि ऐसा अक्सर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है आखिरी वाला पपी काफी अच्छा निकलता है और पहले वाला पपी नहीं भी होता है। बिकॉज वेल्पिंग टाइम में मदर्स के टमी में काफी सारा रोटेशन होता है, यूटेरस में काफी सारे पपीज जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं। उसमें कौन सा पपी पहला आने वाला है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। जो पहला आ भी गया तो ऐसा नहीं है कि वो पपी अल्फा है या वो पपी सबसे अच्छा निकलेगा। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में से दूर कर दीजिए प्लीज। आप पपी लेने जाते हो तो आप देखिए कौन सा पपी अच्छा है, हेल्दी है, एक्टिव है। तो वो चीज आप अगर आप देखेंगे तो मैं आशा रखता हूँ, मैं कह सकता हूँ आपको कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी एक चीज है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मेल लेना है या फीमेल लेना है। बहुत सारे लोगों को ऐसे कंफ्यूजन है कि मेल ही लेना है, फीमेल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मेल नहीं लेना है। और इसी के चलते क्या ट्रेंड हो गया अभी कि लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि फीमेल की प्राइस कम होनी चाहिए, मेल की ज्यादा है तो चलेगा। बहुत पीपल आर आस्किंग फॉर द मेल ओनली। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि मेल ले या फीमेल ले। और ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे, ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं मेल को। मैं बोलता हूँ भाई क्या है ऐसा कि मेल ही क्यों ले रहे हो। बहुत सारे रीजन ऐसे बताते हैं भाई मेल अच्छा है, फीमेल्स होती है तो फीमेल सीजन में आती है तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं हमको, हमको मेल ही चाहिए। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, ट्रेंड ऐसा बन गया है कि फिलोसोफिक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि ब्रीडर को बहुत तकलीफ होती है। आई मीन एक ब्रीडर एक फीमेल को तो दे ही नहीं सकता, आई मीन प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज सारे लोग मेल चाहिए सबको। और उसी के चलते प्राइस में भी काफ़ी वेरिएशन आ गया। और अगर कोई कस्टमर अगर फीमेल लेता भी है तो वो ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसको काफ़ी कम प्राइस में मिले। और आई डोंट थिंक सो कैसा होना चाहिए, बिकॉज हर पपी एक ही होता है। और अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ तो मैं अगर आपको बताऊँ या फिर मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप लोग फीमेल लो, तो फीमेल्स आर ऑलवेज कैरिंग। आप अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप ह्यूमन लाइफ में देख लीजिए, एक मेल पर्सन एक होगा और एक फीमेल होगी, तो फीमेल जो भी होगी वो अपने परिवार का काफ़ी ध्यान रखती है। जैसे अगर पेरेंट्स के बारे में सोचो या बच्चों के लिए सोचो, अपने पति के बारे में सोचो या कुछ भी, फीमेल हमेशा आगे होती है। तो दोस्तों पेट्स में भी सिमिलर होता है। अब प्लीज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिफ्रेंसिएट मत करो, मेल या फीमेल को डिफ्रेंसिएट मत करो। और मैं तो बोलता हूँ कि आप फीमेल में प्रेफरेंस देंगे अगर आप, फीमेल आपको काफी कैरिंग, काफी लॉन्ग टर्म, फीमेल का मैच्योरिटी लेवल भी काफी अच्छा होता है। मेल में काफी दिक्कत आती है, सभी लोग आजकल मेल रहे हैं, एक सर्टन एज के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, मिस मेटिंग की आप एग्जांपल देता हूँ, तो मेटिंग नहीं मिलता है बिकॉज सारे लोगों ने मेल लेके रखे, फीमेल सही नहीं, फिर लोग हमारे पास ही आते हैं और फिर यही प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि हमको मेटिंग कराना है। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। हम अक्सर वही इसीलिए बताते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि प्लीज़ आप इक्विवेलेंट लीजिए, मेल है तो सामने फीमेल भी लीजिए, तो बैलेंस एक रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये बात काफ़ी समझ में आएगी और अपने जहन में डालेगी कि आगे से आप अगर कुछ लेते हो, आप मेल या फीमेल या पपी लेते हो, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे कि मुझे मेल या फीमेल या मेल ही लेना है। सो प्लीज़ दोस्तों, और गाइस ये सही भी है जो मैं आपको बताया शेयर किया, इट्स नॉट लाइक ऐसे ही मैंने मेरे फीलिंग्स के लिए बता दिया, इट्स लॉजिकली ट्रू कि फीमेल्स आर मोर केयरिंग एंड मोर मीन्स गुड इन मैच्योरिटी ऑल्सो, और आपके साथ में अच्छे से रहेगी। और मेल भी अच्छे हो तो मैं मेल का ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट आप प्रेफरेंस सिर्फ मेल को मत दीजिए, आपको ये बात समझ में आएगी। दूसरी चीज है कि मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि आपने मेल दिया पास है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जैसे कि एक बार आपने पपी ले लिया तो ब्रीडर्स आपको बहुत सारी चीजें बताता है पपी के बारे में, पपी को क्या वो खिला रहे हैं, पपी को क्या डाइट दे रहे हैं, कितने टाइम डाइट दे रहे हैं, क्या क्या देना है, क्या सप्लीमेंट देना है।
तो बहुत से कस्टमर होते फॉलो करते हैं, बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स अच्छे से फॉलो करते हैं, और बहुत से क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि एक दो चार दिन फॉलो करने के बाद में वो किसी और को पूछ लिया, और उसके बाद वो किसी और को पूछ के आते हैं, किसी और को ने किसी कुछ और बता दिया, फिर वो उसमें एड ऑन करते हैं। तो वो सब चीजों में सफर करता है पपी, बिकॉज एक ब्रीडर ने अगर आपको बताया कोई चीज तो आप प्लीज अपने जहन में रखिए कि ब्रीडर एक्सपीरियंस बन रहा है, अगर उसने पपीज अपने वहां पे वेल किए, अपने वहां पे पपीज को रेयरिंग किया है, तो उसको ज्यादा पता है पपीज के बारे में। हाँ, आपको हो सकता है, बट बिकॉज आपके पास अब पपी आने वाले लाइफ में आपके पास रहने वाला है, बट इनिशियल लेवल पे आप ब्रीडर की बात मानिए। अगर वो बता रहा है कि पर्टिकुलर ब्रांड का पूरी खिला रहा है, क्वांटिटी बता रहा है आपको, या कोई सप्लीमेंट बता है, तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो सफर पपी करता है, पपी की हेल्थ पे इफेक्ट आती है, और अल्टीमेटली जो ब्लेम जाता है वो ब्रीडर पर जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप जो भी करें एक बार ब्रीडर से अपने पूछ लीजिए, या फिर कोई अच्छे एक्सपर्ट से पूछिए कि मैं ये दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, मैं दे सकती हूँ या नहीं दे सकती। बहुत सारी चीजें मायने रखती है सब, आप एक पपी रेयर करते हो तो, और छोटी छोटी चीजें पपी का ये बेस है, तो छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो पपी आपका अच्छा डेवलप भी होगा, अच्छा बनेगा। और बहुत सारी चीजें लोग समझ नहीं आते लोगों को, बिकॉज अगर पपी लेके आते तो शुरुआत में काफी सारे एक्साइट होते हैं, घर के बच्चे एक्साइट होते हैं, किसी ने उठा लिया पपी को, उठा पपी को फ्री नहीं रहने देते, जहाँ रखा वहां रखा, तो इन सब चीजों में पपी काफी स्ट्रेस में आता है। पपी को आप हाइट पे उठाते हो तो भी स्ट्रेस में आता है, बिकॉज छोटा पपी एक अलग जगह से आया आपके वहां पे सेटल होने के लिए, तो आपको उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं पपी हमारा बहुत सोता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा जितना भी सोता है उतना उसका ग्रोथ अच्छा होता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो ज्यादा सोता है। बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लोग बोलते कहीं पे भी वो पीपी कर देता है, कहीं पे भी वो पोटी कर देता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी पपी है तब तक रहेंगे, बट उस सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको ही देनी है, ध्यान में रखिए आपको ही देनी है एज अ पैट ऑनर, आपके अलावा ये सारी चीजें कोई नहीं सिखाएगा। बिकॉज सर्टेन एज के बाद या एक इनिशियल लेवल पे भी एक बंदा या कस्टमर मार्केट में जाके ट्रेनर को ये बात बोलता है कि मुझे इसका ट्रेनिंग देना है, बहुत सारे ट्रेनर शायद आपको बताएंगे कि मैं सिखा कर आपको दे दूंगा, आपको ट्रेन कर दूंगा और पपी ट्रेनिंग, बट ऐसा नहीं होता है, ये नहीं कर पाएंगे, कोई भी ट्रेनर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पपी आपके पास है, और दिन में वो जितनी बार वो पपी या पोटी करेगा तो आपके पास रहने वाला है, ट्रेनर आके वो ट्रेनिंग नहीं देने वाला है। तो ये ट्रेनिंग आपको ही देनी है, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको शेयर करूंगा वो ट्रेनिंग कैसे देनी है, बिकॉज ट्रेनिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी, तो वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी एक चीज़ है, आपको क्या खिलाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रीडर ने आपको बताया कि ये फूड दे रहा हूँ, तो आप वही फूड लो, क्वांटिटी हमेशा एक पैकेट पे लिखी होती है पपी को कितना देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर पैकेट पे आपको मिलेगा कि पपी को कितना खाना खिलाना है, उसको आपको क्वांटिटी को डिवाइड करना है, अगर ब्रीडर 3 times दे रहा है, अगर छोटा पपी है तो हम लोग बेसिकली 3 times a डे देते हैं, तो 3 times अगर आपको देना है तो उसको डिवाइड करना है। और जो पैकेज पे जो मेजरमेंट लिखा है वो एक होता है एक्टिव पपी के लिए, जो कि भागता कूदता है पूरा दिन खेलता है, तो उसको इतना रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आप पपी लेते हो तो मेरी आपसे एक सलाह है कि आप जो भी डाइट शुरू करते हो उसको थोड़ा क्वांटिटी कम से शुरू कीजिए, एकदम से ज़्यादा फूड मत दो, बिकॉज वो ऑलरेडी पपी स्ट्रेस में होता है, बाहर से आया हुआ होता है, तो हो सकता है उसके स्टमक में प्रॉब्लम हो, और जनरली पपीज में स्टमक प्रॉब्लम बहुत आते हैं, और ये स्टमक प्रॉब्लम के लेके उसको अगर डायरिया हो गया या स्टमक इन्फेक्शन हो गया, तो उसको लेके एस्ट्रोपारो जैसे भयानक डिजीज होते हैं जो सब बहुत कम क्योरेबल होते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक मेरी तरफ से एक सलाह देता हूँ कि आप जो खाना देते हो या शुरू करते हो तो एक कम क्वांटिटी में दो, और स्लोली स्लोली जो ग्रेजुअली इंक्रीज द फूड, ताकि पपी को प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा आगे आने वाले वीडियो में, कुछ चीजें मैंने आपको बताया उसे जरूरी था, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है। अगर मैं आपको भी बताता हूँ कि अगर आपको फिर भी कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट में जाके मुझे पूछिएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द अच्छे से दे पाऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि पपी आपको कैसे परचेज करना, सिलेक्ट करना है, ब्रीडर के पास अगर आप जाते हो तो कुछ चीजें मत देखिए कि पपी कौन सा पहला है, वो सब मत देखिए, आप पपी कितना एक्टिव है, कितना हेल्दी हो देखिए। उसके अलावा मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, और आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आपके दिमाग में लेके चलिए कि आपको अगर कोई पपी खरीदना है, पपी एडॉप्ट करना है, तो पपी किसे रजिस्टर्ड पपी है, दैट मीन्स कैनल गो ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडियन कैनल है, कैनल गो ऑफ इंडिया जो कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
जो हम लोग काम करते हैं अंडर द FCI, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ब्रीडर को पूछिए कि पपी कैसे रजिस्टर है या नहीं, और आप अगर अगर कोई पपी आपको लेना है तो आप प्लीज वही पपी लीजिए जो किसी रजिस्टर हो, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सिर्फ पेपर्स आता है, पेडिग्री आती है, तो आपको आइडिया रहता है पपी कहाँ से आया है, कहाँ से सोर्स हुआ है, बिकॉज पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बाइंग द पपी। अगर आप कोई पपी खरीद रहे हो तो पेरेंट्स काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का ही है। आप पपी देख के कभी भी जजमेंट नहीं लगा सकते हो कि पपी कैसा होगा, सो यू ऑलवेज गो विद पेरेंट्स। आप पेरेंट्स को देखो पेरेंट्स कैसे हैं, और जो पेरेंट्स जैसे हो गए ऐसे ही पपी डेवलप होता है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, आप जब भी जाइए कभी भी पपी लेने जाइए या फिर अपने दोस्त को बताइए तो पेरेंट्स को हमेशा देखिए, और प्लीज प्लीज आप ये खास ध्यान रखिए कि पपी कैसे रजिस्टर है या नहीं, इसे रजिस्टर पपीज ही आप कीजिए। और मैं मेरे चैनल में भी काफी सारी चीजें हैं जो इसके रिलेटेड में काफी सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, कैनल का ऑफ इंडिया जो वर्क करती है डॉग शोज वगैरह होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे हम जिसके अंडर में है कैनल का ऑफ इंडिया जो है FCI के अंडर में है, FCI की रजिस्टर्ड ब्रीड टोटल 352 ब्रीड्स है, और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं सारी ब्रीड आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ कुछ चीजें बताऊंगा क्या क्या चीज क्या क्या ब्रीड्स है, क्या क्या उसकी स्पेशलिटी है, कि वो ब्रीड डेवलप किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आने वाली है, तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। ये जो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत उसको प्लीज़ ध्यान में रखिए, और आगे आने वाले दिनों में मैं और भी बताऊंगा पपी को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या देखना है, कलर मायने नहीं रखता रखता है, कैसे मार्किंग्स होने चाहिए, कौन सा पपी अच्छा होता है, पपी को लाने के बाद क्या केयर करना है, उसके बाद कैसे ब्रशिंग करना है, ग्रूमिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी शेयर करूँगा, बिकॉज एक साथ मैं दे दूंगा तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ बताऊंगा। उसके अलावा अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो, कॉमेंट में जाके कभी भी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उम्मीद रखा हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दूंगा, ताकि आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास आए और आप उसको शेयर भी कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, और आज मैं आपके लिए स्पेशली दो प्रोडक्ट्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगा जो पपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं होपफुली हर एक मेरे वीडियो में या फिर आने वाले दिनों में अगर कुछ आपको बता रहा हूँ तो उसके साथ में एक दो प्रोडक्ट्स आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हम क्या दे सकते हैं, कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट है मेरे पास में जो काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार प्रोडक्ट्स है, पपी के लिए काफ़ी बेटर है और काफ़ी एक्सेल प्रोडक्ट्स है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सो लेट्स गो। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको जो है मेरा पहला प्रोडक्ट और जो मेरा भी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं काफ़ी सालों से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ दोस्तों ये है कैनिनो कैर, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, और उसमें जो भी इंग्रीडियंट्स डाले हैं वो सारे ह्यूमन यूज में आते हैं, हम लोग आधे दिन हम यूज़ करते हैं, कितने इंग्रीडियंट्स ऐसे भी हैं जो हमने आज तक यूज़ भी नहीं किए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इंग्रीडियंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है डॉग्स के लिए। आपके एक पपी फूड से लेके आप एडल्ट डॉग को इसको दे सकते हो, इसके फायदे बहुत सारे फायदे हैं। तो बेसिकली ये आपको कुछ फायदे इसके बताऊँ, मैं कुछ चीज़ें बताऊँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, जैसे कि इम्यून सिस्टम को बहुत ही बूस्ट करता है, बहुत ही स्ट्रांग रखता है, एज ये आयुर्वेदिक है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कितना भी दो अगर कभी ज़्यादा भी दे दिया गलती से किसी ने तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज सेफ प्रोडक्ट है। उसके अलावा बेसिकली इसका मेन वर्क जो है एलिमेंट्स बैलेंस करता है बॉडी में। बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स बैलेंस होने की वजह से आप जो खिलाते हो, आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी डॉग फूड या जो भी आपको डॉग ने आपको खाया है तो सारी चीज़ें बैलेंस होती है, न्यूट्रिशंस पूरे प्रॉपर वे में बॉडी को मिलते हैं, उसके जाने की वजह से ऑटोमेटिकली आप सोचोगे तो आपका डॉग हेल्दी रहेगा, और उसके अलावा स्किन भी काफ़ी हेल्दी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी रखता है, एज वेल एज एलिमेंट्स बॉडी के एलिमेंट्स बैलेंस करता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी उसमें डाले हुए हैं जो कि बहुत सपोर्ट करता है बॉडी को, तो ओवरऑल जो ग्रोथ है पपी का या फिर एक डॉग का वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आप कोई पपी खरीदते हो तो प्लीज़ आप ये कैनिनो कैर जो मैंने बताया आपको ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। ये प्रोडक्ट बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है, बिकॉज ज़्यादातर पेट ऑनर्स को इतना आइडिया नहीं है, और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं मिस डॉग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको खिलाना है नहीं खिलाना है, फिर डॉग को देना बंद कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप स्टार्ट कीजिए पपी से तो पपी सामने से मांगेगा, टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, आप डॉग फूड में डाल के दीजिए, अगर डॉग फूड देने से पहले दे दिया तो एक भूख भी अच्छा लगता है पपीज को, अच्छी तरह से खाना भी खाते हैं वो लोग, तो आप ये ट्राई कीजिए एक बार। अगर आपको कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है ये प्रोडक्ट, अगर आपको जानना है प्रोडक्ट के बारे में तो आप प्लीज़
मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकती है, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9898556297। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। बेसिकली इस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इतना मार्केट में, और अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आई कैन कुरियर यू एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। उतना मैं आपके पप्पी के लिए आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, और आप एक बार यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये प्रोडक्ट। तो मैं आइए आपको ले चलता हूँ मेरे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है गटवेल। ये एवेंकिस कंपनी का प्रोडक्ट है गटवेल, जो काफ़ी अच्छा है और हर जगह अवेलेबल है प्रोडक्ट, आपको मार्केट में कहीं भी पेट शॉप पर मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। पपीज़ के लिए अगर मैं बोलूँ आपको तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मैजिकल प्रोडक्ट है। आप पपी के फूड में डाल के उसको दीजिए, डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, वर्क करता है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स के ऊपर। तो डाइजेस्ट सिस्टम अगर अच्छी नहीं तो पपीज़ को डायरिया वगैरह होता नहीं है। ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है या अक्सर ऐसा दिखा है कि छोटे पपीज़ को फूड अगर आपका प्लेस चेंज होता है तो ये सब चीज़ें की दिक्कत आती है। तो अगर ये आप यूज़ करते हो साथ साथ में, जैसे मैंने पहले ही बताया कैनिनो का है ये सेकंड प्रोडक्ट गटवेल, तो ऐसी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, करना चाहिए यूज़, ताकि पपीज़ को एक सपोर्ट रहता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा है तो, जिससे मैंने आपको बताया स्किन से लेकर पूरा बॉडी का जो ग्रोथ होता है प्रॉपर वे में होता है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, उसके वजह से आपके पपीज़ की हेल्थ अच्छी रहेगी। और एडल्ट डॉग को भी आप दे सकते हो, वो कैनियोकेयर जो मैंने बताया पहले, कैनियोकेयर आप किसी भी एज में दे सकते हो, गटवेल भी आप दे सकते हो कोई भी एज में। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी एज में गटवेल को भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छी बेहतरीन है। ये प्रोडक्ट आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है, अगर कैनियोकेयर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो आपको मैंने जैसे बताया यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैंने मेरा नंबर भी आपको शेयर किया, एक बार फिर से शेयर करता हूँ, मेरा नंबर है 9898556297। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्रोडक्ट के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो, और अगर पपी के बारे में कुछ अगर जानना हो आपको तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उम्मीद रखता हूँ जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जो शेयर किया पपीज़ के बारे में, जो चीज़ें हैं लोगों को जो पता नहीं है, काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मार्केट में चल रहे हैं, उसको चलते काफ़ी दिक्कत आती है पपी को सिलेक्ट करने में, और बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगा आने वाले वीडियो में। एक साथ में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाए, लोग पसंद नहीं करें मे बी। सो मैं पार्टली आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा पपी को सिलेक्ट कैसे करना है, कौन सा पपी लेना है, क्या देखना है, पेरेंट्स कैसे देखने हैं, क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको कहीं पर शायद वो मिलेगी नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एज अ ब्रीडर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, और कौन से पपीज़ लेने चाहिए, कौन सी ब्रीड सिलेक्ट करनी चाहिए आपको, आप कहाँ रहते हो, आपको कौन सी ब्रीड चूज करेगी और उसका बिहेवियर क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको आगे और भी ले चलूँगा, आपको वो भी बाकी बताऊँगा, और आगे और भी बहुत सारे वीडियो के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एफसीआई में जो रजिस्टर्ड ब्रीड है 350 जो ब्रीड है, मैं आशा रखता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ आप दोस्तों कि आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं बताऊँ, अच्छी चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँ, और काफ़ी अच्छा कुछ रिवॉर्ड्स और काफ़ी सारे गेम्स और काफ़ी सारे क्विज कॉन्टेस्ट भी मैं लाने का सोच रहा हूँ मेरे चैनल थ्रू। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा चैनल तो प्लीज़ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।